पति को भी ठंडा किया ये लोग मिलकर कि कहीं मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाएंगे बरजबिहारी बाबू, तो वो ठंडा किया है। तो मैं खड़ी हूँ ना उसका जवाब देने के लिए। पूरे खानदान है, बेटा बेटी, अब कम से कम है राबड़ी देवी, जो राबड़ी लिखने में कुछ टाइम लगता, प्रधानमंत्री का लाला दोस्त हमको तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएगा, आई इसको हम प्रधानमंत्री बना देंगे नीतीश कुमार को। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूँ जय शुक्ला। देखिए, बीजेपी की सांसद रमा देवी ने लालू प्रसाद यादव के परिवार पर और तेजस्वी यादव सरीखे तमाम राजद के नेताओं पर बड़ा आरोप लगाया। रमा देवी क्या कुछ कह रही है, सबसे पहले आप वो सुन लीजिए। देखा तो वो संस्कार पाया, उस तरह का ठंडा कितना को किया है, हमारे पति को भी ठंडा किया ये लोग मिलकर कि कहीं मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ जाएंगे बरजबिहारी बाबू, तो वो ठंडा किया है। तो मैं खड़ी हूँ ना उसका जवाब देने के लिए। बेशरम आदमी है, केवल परिवारवाद, धनवाद ये करते रहा है, खानदानवाद, तो उससे आगे जनता सब समझ गई है कि पूरे खानदान है। बेटा बेटी, अब कम से कम है राबड़ी देवी, जो राबड़ी लिखने में कुछ टाइम लगता, वैसे उसे लोग से बिहार में बैठा कर किसके बदौलत किया है। बहुत बड़ा आरोप आप मैडम लगा रही है कि ब्रज बिहारी जी की हत्या इन्हीं लोगों ने करवाया। हाँ, एकदम क्या करवाया, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये है कि करवाया करवाया, जिससे आज भी वही गुंडा राज लाने के लिए, जंगल राज लाने के लिए बैठा हुआ है। नीतीश जी उसका सहयोगी बने गए हैं। इनको जेल में जाने का डर नहीं था, लेकिन जिसको जेल में जाने का डर था वो आदमी इस तरह का तालमेल करके कहा कि ले आओ प्रधानमंत्री का लाला दो, हमको तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएगा, आई इसको हम प्रधानमंत्री बना देंगे नीतीश कुमार को। तो आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग जानते हैं कि कैसा आदमी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्या क्या कर्तव्य करना पड़ता। तो ये जो कुछ किए हैं, क्या क्या किए हैं, वो सब नोन है, उतना कहिएगा तो पूरा कहानी बन जाएगा। तो सुना आपने, शिवहर से बीजेपी सांसद है रमा देवी और तेजस्वी यादव ने कुछ दिन पहले ठंडा कर देने वाला बयान दिया था, और उसी के जवाब में उन्होंने बड़ा आरोप लगाया और ये कहा कि उन्होंने मेरे पति को भी ठंडा करवाया था, उन लोगों ने ही मेरे पति को ठंडा करवाया था, और वो डर गए थे कि उनके जो पति हैं ब्रज बिहारी प्रसाद कहीं मुख्यमंत्री ना बन जाए, इसलिए उन लोगों ने ऐसा काम करवाया था। तो बड़ा आरोप लगाया है। इसके साथ ही राबड़ी देवी पर भी वो बोल रही थी, और यहां तक कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव के परिवार को कड़ी बड़ी बातें कह दी, बेशर्म तक बताया। और बड़ी बात कहते हुए रमा देवी ने जो बड़ा आरोप लगाया है उसका जवाब क्या निकलकर सामने आता है वो भी हम देखेंगे। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव के उस ठंडा कर देने वाले बयान की चर्चा हर तरफ हो रही है, और उस पर बीजेपी के तमाम नेता जो है एक के बाद एक प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। बन रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।